आप देख रहे हैं SSC न्यूज। इंटरनेशनल SSC न्यूज चैनल। नीमच जिले में शिक्षा विभाग की उदासीनता के उपरांत भी शिक्षकों का विद्यालय के प्रति समर्पण भाव देखिए। शिक्षकों ने तन मन धन से व जन सहयोग से स्कूलों की तस्वीरें किस हद तक बदली है देखिए नज़ारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए SSC न्यूज चैनल द्वारा स्कूलों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें नज़ारा देखिए। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय पढ़ना एक बेहतरीन लुक जो एक निजी संस्थान को भी पछाड़ता हुआ दिखाई देता है। पर्दा संकुल के भीतर शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुंडी एक छोटे से गांव का विद्यालय, जिसका संपूर्ण विकास यहां के जो शिक्षक है उनके द्वारा अथक प्रयास करके वह अपने निजी व्यय से विद्यालय को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। देखिए ये तस्वीरें आप अपनी आंखों से, जहां पे बिजली, पंखे, बच्चों के लिए नए नए तरीके से शिक्षण की सामग्री इन टीचरों द्वारा यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही जन सहयोग से पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। यहाँ पे बच्चों के लिए टेबल, कुर्सियाँ, लाइट, पंखे आदि कई व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे कर रखी है। देखिए खुली तस्वीरें शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सुंडी। नीमच जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले शासकीय विद्यालय के जो शिक्षक है, जो निष्ठावान शिक्षक है, स्कूल के प्रति समर्पित है, उनके द्वारा स्कूलों के भीतर बहुत ही अथक प्रयास करते हुए विद्यालय का सर्वांगीण विकास किया गया है। लेकिन अभाव देखिए यहाँ पे इसी विद्यालय शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सुंडी, जहाँ पे बाउंड्री वॉल का अभाव है। और ज्ञात हो कि इस विद्यालय के पीछे एक नदी है, जहाँ पे बाउंड्री वॉल की अत्यंत आवश्यकता है, जहाँ पे जहरीले जानवर या मगरमच्छ जैसे जानवरों को यहाँ पाया जाता है। इसी डर के, इसी खौफ से यहाँ पे पालक अपने बच्चों को इसी स्कूल में नामांकित नहीं करते हैं, वह इस विद्यालय से दूरी बनाए रखते हैं। विद्यालय ने अपील की है विभाग से कि हमें बाउंड्री वॉल उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही नज़ारा देखिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़कुआ का, जो विगत कई वर्षों से सुर्खियों में रहा है, जहाँ पे समय समय पर यहाँ के शिक्षकों द्वारा, पालकों से व स्वयं द्वारा जन सहयोग के माध्यम से इस विद्यालय को बेहतरीन रूप प्रदान किया गया है। साथ ही ज्ञात हो कि यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का भी स्टेचू बना हुआ है, जो एक अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। साथ ही देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे टेबल, कुर्सियाँ, लाइट, पंखे आदि कई सुविधाएं यहाँ की शिक्षकों के व पालकों के जन सहयोग से इस विद्यालय को एक बेहतरीन रूप प्रदान किया गया है। नज़ारा आपके सामने माध्यमिक विद्यालय बड़कुआ। देखिए बच्चे गतिविधियों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हुए, खेल खेल में शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए इसके लिए यहाँ के टीचरों द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास करते हुए बच्चों को नई तकनीकी व खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। नज़ारा आपके सामने देखिए बच्चे खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हुए। दुखद है कि नीमच जिले में शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते बहुत से विद्यालयों में बाउंड्री वॉल, शौचालय, पेयजल की व्यवस्थाओं का बहुत ही अभाव है। लेकिन नीमच जिले के मनासा विकासखंड में ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने तन मन धन से और पूरी निष्ठा के साथ में विद्यालय को एवं बच्चों के शिक्षा के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए विद्यालय के लिए एक नई पहल प्रारंभ करते हुए विद्यालय का सर्वांगीण विकास किया है। ऐसा ही विद्यालय जहाँ पे देखिए किसी भी निजी संस्थान को पछाड़ते हुए एक विद्यालय आपको बड़कुआ में ये दिख रहा है, जहाँ पे बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ पे नल की व्यवस्था, स्कूल पर
परिसर द्वारा, स्कूल के टीचरों द्वारा की गई है। देखिए बेहतरीन शौचालय बच्चों के लिए, देखिए अपनी आंखों से ये नज़ारा है मनासा विकास खंड के बड़कुओं का। लेकिन दुख यहाँ होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सहयोग या सहयोग राशि विभाग द्वारा इनको नहीं दी जाती है। और जब उच्च लेवल के अधिकारी किसी विद्यालय को देखने के लिए प्रदेश स्तर से या संभाग स्तर से आते हैं तो विभाग बड़ी आसानी से ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय को बताकर पल्ला झाड़ लेता है। ये यहाँ की एक दुखद घटना है। देखिए यह विद्यालय है अपने मोकमपुरा का, जो मनासा विकासखंड से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के टीचरों द्वारा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जिसका पूर्ण विकास इन्होंने अपने स्वयं के व्यय से करके स्कूल को एक विकसित रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। नज़ारा है ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय मोखमपुरा, विकासखंड मनासा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि शिक्षा विभाग हमेशा यहाँ पे फिसड्डी रहा है और सहयोग के नाम पे कभी भी आगे नहीं आया है। सहयोग की बात तो छोड़ो, ऐसे विद्यालयों का कभी भी इन्होंने जिला स्तर पर सार्वजनिक रूप से इन शिक्षकों का सम्मान तक नहीं किया आज दिन तक। फिर भी इन शिक्षकों की लगन व मेहनत व एक ईमानदार प्रयास को देखते हुए, देखिए इन्होंने पूरे विद्यालय का ऐसा विकास किया जो किसी गार्डन जैसा महसूस होता है। यहाँ पे देखिए कितना शानदार यहाँ पे लुकअप यहाँ के शिक्षकों ने जन सहयोग के माध्यम से व अपने स्वयं के जेब से खर्च करते हुए स्कूल का सर्वांगीण विकास चाहा है। और ये तस्वीरें है वास्तव में धरातल पर इन्होंने उतारी है। याद हो कि ये चुनिंदा जो स्कूल मनासा विकास खंड में है, इन स्कूलों से प्रेरित होकर नीमच जिले सहित मध्य प्रदेश में भी अन्य स्कूलों में ऐसे प्रयास अन्य शिक्षकों द्वारा या पालकों के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता देखिए कि इन शिक्षकों का आज दिवस तक शिक्षा विभाग द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया है और न ही कभी भी इनका जिला स्तर पर कभी सम्मान किया गया है।